अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम की जानिब से पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं एच क्रिफिन अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। इससे पिछली वीडियो में हमने साल 2019 में भारतीय फ़िज़ाइया के फ़जाई हादसात में होने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया था और आज की इस वीडियो में हम साल 2020 में होने वाले भारतीय फ़िज़ाइया के फ़जाई हादसात में होने वाले नुकसान का मुख्तसर जायज़ा अपने नाज़रीन के सामने पेश करेंगे। लेकिन आपने अगर इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। इसके अलावा हमारे एक और चैनल डिफेंस एंड पॉलिटिक्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो नाज़रीन, साल 2019 के मुकाबले में साल 2020 भारतीय फ़िज़ाइया के लिए कुछ ज़्यादा तबाहकुन साबित नहीं हुआ और इस साल सबकी तवक्कुआत के बरक्स साल 2020 जहां पूरी दुनिया में अफरा तफरी का आलम था, वहीं भारतीय फ़िज़ाइया के कम तरीन नुकसान होने का भी किसी को इल्म शायद नहीं था। साल 2019 में 13 फ़जाई हादसात के मुकाबले में साल 2020 में भारत ने फ़जाई हादसात में सिर्फ और सिर्फ 4 तैयारों को खोया है। अगर इन हादसात की तफसीलात का जिक्र किया जाए तो सबसे पहले साल 2020 में 23 फरवरी 2020 को साल का पहला हादसा उस वक्त हुआ जब भारतीय बहरिया का एक MiG-29K तैयारा इंजन में आग भड़क उठने की वजह से हादसे का शिकार हुआ। अलबत्ता इस हादसे में पायलट ने इजेक्ट किया और वह महफूज रहा। इसके बाद दूसरा हादसा 24 फरवरी 2020 को पेश आया जब भारत का एक पिपेस्ट्रल वायरस SW-8 माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हुआ और इस हादसे में कमांडो ग्रुप कैप्टन गुरप्रीत सिंह चीमा और कमांडर विपिन यादव अपनी जान की बाजी हार गए। साल 2020 का तीसरा हादसा 8 मई 2020 को उस वक्त पेश आया जब भारतीय फ़िज़ाइया का एक MiG-29 UPG तैयारा भारतीय इलाके होशियारपुर के करीब गिरकर तबाह हो गया। अलबत्ता इस हादसे में पायलट महफूज रहा। तो नाज़रीन, साल 2020 का आखिरी हादसा उस वक्त पेश आया जब 26 नवंबर 2020 को भारतीय बहरिया का एक MiG-29K तैयारा रूटीन मिशन के दौरान बहर हिंद यानी इंडियन ओशन में गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में भारतीय बहरिया के कमांडर निशात सिंह अपनी जान की बाजी हार गए। नाज़रीन, इस वीडियो में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन से एक बात तो साबित होती है कि साल 2020 अगरचे सारी दुनिया के लिए तबाहकुन और अफरा तफरी वाला साल रहा, लेकिन शायद इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवल एविएशन के लिए ये इतना बुरा साल साबित नहीं हो सका। क्योंकि अगर हम माजी पर एक नज़र डालें तो एक एक साल में हमें दर्जनों भारतीय तैयारे ज़मीन पर गिरते हुए नज़र आते हैं और यहाँ तक के एक साल में सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट क्रैशेस का रिकॉर्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पड़ोसी भारत के पास है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शंस में भारतीय फ़िज़ाइया के हादसात के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।